आज हम आपको गुलाबी नगरी जयपुर के उन मशहूर पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे जहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। अगर आपको प्राचीन महलों और शाही जीवन शैली को करीब से देखने की लालसा है तो आप राजस्थान के जयपुर शहर का भ्रमण जरूर करें। राज्य का यह प्राचीन शहर अपने भव्य महलों के साथ अन्य प्राचीन संरचनाओं के लिए जाना जाता है। कला संस्कृति और विशेषकर वास्तुकला में यहाँ दिलचस्पी रखने वालों को जरूर आना चाहिए। एक शानदार अवकाश बिताने के लिए जयपुर आदर्श विकल्प है, जहाँ सिर्फ देश भर से ही नहीं बल्कि विश्व भर से सैलानी आते हैं। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर यह शहर प्राचीन भारत के चुनिंदा सबसे खास गंतव्यों में गिना जाता है। आप यहाँ कई शानदार आकर्षणों को देख सकते हैं। इसके अलावा हाथी की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। इस खास वीडियो में जानिए उन स्थानों के बारे में जिनके बगैर आपकी जयपुर की यात्रा बेकार है। जयपुर की स्थापना सन 1727 में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा इस शहर का निर्माण करवाया गया। बढ़ती आबादी और पानी की कमी के कारण उन्होंने अपनी राजधानी को आमेर से जयपुर शहर में स्थानांतरित कर दिया था। इस शहर की बसावट तथा वास्तु प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के सिद्धांतों के अनुरूप की गई। 1876 में जयपुर के इतिहास में एक नया अध्याय उस वक्त जुड़ गया जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का दौरा किया। उनके स्वागत के लिए तत्कालीन महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया था। तो चलिए अब बात करते हैं जयपुर के उन मशहूर पर्यटन स्थलों की जहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक सैलानी घूमने के लिए आते हैं। इस वीडियो में हम आपको केवल उन मशहूर जगहों के नाम बताएंगे जो पर्यटन के लिए सबसे खास और मशहूर मानी जाती है, और इन सभी जगहों के बारे में हम आपको एक एक करके अलग अलग वीडियो में विस्तार से बताएंगे। जयपुर में पर्यटन की दृष्टि से आमेर महल, जल महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ किला, जयपुर फोर्ट, बिड़ला मंदिर, सिसोदिया रानी का महल व बाग, सेंट्रल पार्क, हैंड प्रिंटिंग का संग्रहालय अनोखी, स्टेचू सर्किल, रामनिवास बाग, जूलॉजिकल पार्क, कनक वृंदावन, ईश्वर लाठ सरगाशुली, अमर जवान ज्योति, महारानी की छतरी, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर वैक्स म्यूजियम, ज्वार कला केंद्र, राजमंदिर, सांभर झील, स्कल्पचर पार्क, नाहरगढ़, झालाना सफारी पार्क, मसाला चौक, आम्रपाली संग्रहालय है। और अगर सर्वश्रेष्ठ मंदिरों की बात करें तो यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गलताजी, सांगानेर में दिगंबर जैन मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, कोले के हनुमान मंदिर प्रमुख है। अगर आपने जयपुर घूमने का मन बना ही लिया हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जयपुर तक पहुँचेंगे कैसे। अगर आप फ्लाइट से जयपुर पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी सांगानेर हवाई अड्डा है, जहाँ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर और लगभग सभी अन्य जगहों के लिए घरेलू उड़ान संभव है। जयपुर से दुबई, मस्कट, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ पर हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जयपुर घूमना चाहते हैं तो राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों से एसी और डिलक्स बसों की नियमित सेवा उपलब्ध है। और अगर आप बाय ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो जयपुर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर सहित सभी शहरों से ट्रेन का जुड़ाव है। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो आप ऐसे ही देखते रहिए डिजिटल समाचार और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।